अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7वां है। एरर डिटेक्शन के रूल पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 2। यूजेज ऑफ एडवर्ब्स आज पढ़ेंगे, रूल नंबर 27 था। यहाँ पर ये टू एडवर्ब है, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा। टू इज़ नॉट यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स लाइक टू ग्लेट, टू हैप्पी, टू प्लीजेंट, टू हेल्दी ईटीसी। यानी कि अगर इस तरह के एग्जेक्टिव आ जाए ना, ग्लेड आ जाए, हैप्पी आ जाए, प्लीजेंट आ जाए, इनके साथ जो है ना कभी भी टू इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जितने भी हैं इनके साथ हमें टू इस्तेमाल नहीं करना। सो एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये रूल नंबर 27 है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। आई एम टू ग्लेड टू मीट यू। यहाँ पर जैसा कि आप कि यहाँ पर एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। सो यहाँ पर एग्जेक्टिव की वजह से कभी भी टू इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, ये सही रहेगा। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम वेरी ग्लेड, वेरी ग्लेड टू मीट यू। अभी ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस आ जाएँ आप लोगों ने समझ जाना है कि ये हैप्पी, ग्लेड, प्लीजेंट, हेल्दी, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ टू इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो रूल नंबर 28 पढ़ लेते हैं। इफ़ वी रिप्लेस टू विथ सो दैट टू आल्सो मस्ट बी रिप्लेस विथ कैन नॉट। यानी कि आप लोगों को एक सेंटेंस पढ़ के बता दूँ, फिर आप लोग समझ जाओगे। इज़ टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर कैन नॉट किसी जगह पे इस्तेमाल किया जाए ना, इस साइड टू इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसको क्या करना है आप लोगों ने, ही इज़, यहाँ तो आप ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पर ये भी सही है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ही इज़ सो वीक। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों ने, सो वीक, ही सो वीक, ही सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। ये इतना कमज़ोर है कि ये वॉक भी नहीं कर सकता। सो आप लोगों ने ये पॉइंट समझ देनी है कि अगर कैन नॉट का इस जगह इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर टू इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ही इज़, इसका ये करेक्ट ये है, ही सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, ये अभी करेक्ट हो गया। रूल नंबर 29 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 29 है, मच टू इज़ फॉलोड बाय एडजेक्टिव। अगर मच टू, मच के साथ यानी कि टू इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो किसी सेंटेंस में, एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाए, मच टू इज़ फॉलोड बाय एडजेक्टिव। मच टू क्या है, ये एडजेक्टिव को फॉलो करता है। वेयर इज़ टू मच इज़ फॉलोड बाय नाउन। अगर किसी सेंटेंस में टू मच इस्तेमाल किया गया है ना, टू मच, वो उसके बाद क्या होगा, एक नाउन का लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मच टू इस्तेमाल किया गया है उसके बाद एग्जेक्टिव होगा, अगर टू मच इस्तेमाल किया गया है उसके बाद क्या होगा, नाउन होगा। एग्जांपल पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों का मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। हिज फेलियर इज़ टू मच पेनफुल फॉर मी। यहाँ पर अगर देखो आप लोग, यहाँ पर टू मच ये किसके लिए हमने ये चुना था, ये नाउन के लिए टू मच। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर नाउन के बजाय एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो ये गलत है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसको करेक्ट कर देते हैं। हिज फेल्योर इज टू मच के बजाय मच टू इस्तेमाल करना है। वो किस लिए, हम ये वैसे तो छोटा लिखना चाहिए एम, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ पेनफुल। यहाँ पर आप लोग समझ गए होगे, अगर एडजेक्टिव हो ना उसके जगह पे मच टू इस्तेमाल करना है, ना कि टू मच। यहाँ पे हिज फेल्यूर इज़ मच टू पेनफुल फॉर मी, ये करेक्ट हो गया। रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। यहाँ पर ये पेन क्या है, नाउन है, नाउन के बाद क्या हमें इस्तेमाल करना है, टू मच इस्तेमाल करना है, ना कि हमें मच टू। यहाँ पर टू ख़त्म करके ये आगे रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सो आप लोग उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, ये नाउन के साथ हमेशा टू मच इस्तेमाल किया जाता है, और अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा उसके साथ मच टू इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है,
अभी रिव्यू लोड और कुछ पढ़ लेते हैं आगे। कंटिन्यू है लेक्चर हमारा। रूल नंबर 30 है, इनफ विच इज़ यूज्ड एज इन एडवर्ब इट इज़ फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री। अगर किसी भी सेंटेंस में इनफ का इस्तेमाल किया जाएगा ना, वहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री लाजमी होनी चाहिए। ही इज़ ग्रेटर इनफ टू पर्डन यू, यहाँ पर क्या है, ये सुपरलेटिव कंपरेटिव डिग्री चाहे जो भी इस्तेमाल की गई, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सामने क्या है, इनफ है। इनफ के साथ हमें कौन सी डिग्री रखनी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ ग्रेट, इसकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ग्रेट है। इसकी कंपरेटिव ग्रेटर और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही इज़ ग्रेट इनफ, हमें क्या रखनी है, पॉजिटिव डिग्री रखनी है, ग्रेट इनफ टू पर्डन यू। अभी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। रूल नंबर 31 है, टू नेगेटिव्स कैंसल ईच अदर, अगर किसी एक सेंटेंस में दो नेगेटिव इस्तेमाल किए गए ना, वो आपस में कैंसिल करते हैं। टू नेगेटिव शुड नॉट यूज एट द सेम सेंटेंस, इन द सेम सेंटेंस, जो टू नेगेटिव हैं वो कभी भी एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किए जाते। सो ये गलत होगा तरीका, अनलेस वी मेक इन अफर्मेटिव, अगर हम अफर्मेटिव यूज़ करते हैं तो फिर हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल, दो नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल पढ़ लें, आई हैव नॉट गॉट नन, यहाँ पर देखो दो नेगेटिव तो इस्तेमाल किए गए हैं, पर यहाँ पर क्या है, अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस में हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, एनी, ना कि नन। सो नन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आई हैव नॉट गॉट एनी, ये क्या हो गए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में दो दो नेगेटिव इस्तेमाल किए गए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये अफर्मेटिव ना होता, अगर इंट्रागेटिव होता या और कोई होता, तो फिर हमें यहाँ पर दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करने थे। ठीक है, समझ गए होगे, टू नेगेटिव जो है ना एक सेंटेंस में इस्तेमाल किए नहीं जाते, पर अगर अफर्मेटिव हो तो फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अभी रूल नंबर 32 पढ़ते हैं, मच इज़ यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, मच कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल से पहले, यानी कि सेकंड फॉर्म से पहले। अगर वेरी कहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी इज़ यूज्ड बिफोर द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, यानी कि मच पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में। आगे चाहे एग्जेक्टिव हो या एडवर्ब, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होगी और मच के साथ कंपरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, समझ गए होगे, मच एक तो पास्ट पार्टिसिपल में इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा उसमें पॉजिटिव कंपरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है, और जो वेरी है, वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ डिग्री कौन सी हो, पॉजिटिव डिग्री हो। तो अभी पढ़ लेते हैं एग्जांपल एक आधा, द न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग, यहाँ पर क्या है, आप लोग खुद सोचो कि यहाँ पर मच का इस्तेमाल किया गया है, जो कि करना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो इस्तेमाल की नहीं गई और इसमें कंपरेटिव डिग्री भी नहीं की गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरी का इस्तेमाल करेंगे, द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग, अभी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया, ये समझ गए होगे, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो अभी दूसरा नंबर एकदम पुल पढ़ते हैं, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड बाय हियरिंग न्यूज़, यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मच का इस्तेमाल करेंगे, पहले पढ़ा है ना, अगर पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल की जाए तो फिर हमें उस फॉर्म में मच का इस्तेमाल करना है। तो आई वॉज वेरी, वेरी के बजाय मच, सॉरी, यहाँ पर आई वॉज मच सरप्राइज्ड हियरिंग न्यूज़, सरप्राइज्ड हियरिंग न्यूज़। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।